दोस्तों आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए मिनी कूलर, जो कि मिनी फ़ैन बोल सकते हैं, एयर कंडीशनर बोल सकते हैं, जो कि वाटर कूलर वाला है। तो आप देख सकते हैं इसका, जो कि इसकी डिटेल मॉडल नंबर है HY16। 5 वोल्ट की इनपुट लेता है, जो कि 2.5 वाट का है। लाइट ब्लू इसका कलर है। तो आपको इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, तो मैं आपको साइड से दिखा दूँ जी। तो इसमें और भी बताया है इसका प्राइस, जो कि 300 लिखा है। मार्केट से मिल जाएगा आपको 200 रुपये या 250। और इसका जो USB सर्टिफाइड है, तो आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। इसमें सेल लगा सकते हैं आप, वाटर डाल सकते हैं 50 मिनट तक, इसकी डिटेल बताई है। चलो इसको अनबॉक्स कर लें। तो इसके साथ आपको मिल जाती है जो कि 1 मीटर की डाटा केबल, जो कि इसकी केबल है, तो जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं कि चला भी सकते हैं। तो आपको मिल जाता है इसमें फ़ैन, ये आ गया, ये इसका स्विच आ गया। तो ये देखिए, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं हम, स्वाइप अप डाउन, तो एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो पीछे की तरफ आपको मिल जाता है एक पावर के लिए, 5 वोल्ट की इनपुट के लिए, और सेल डालने के लिए ढक्कन मिल जाता है आपको। तो इधर से ये एक्सचेंज एयर लेगा, तो ये यहाँ डाल सकते हैं आप पानी। चलो देख लेते हैं कि सेल लगा कर कि कैसा चलता है। तो हम ढक्कन खोल लेते हैं इसका, 3 सेल लग जाएंगे, तो 3 सेल लगा देते हैं। 1.5 वोल्ट के 3 सेल बटा 3 = 4.5 वोल्टेज। तो अब इसको चला लेते हैं। मेरे सेल थोड़े पुराने हैं, तो इसलिए इसकी स्पीड कम होगी। तो आप देख सकते हैं अंदर से घूमना शुरू हो जाता है। तो अब इसको हम पेज रख के देखते हैं। पेज तो आगे पीछे नहीं होगा सेल, क्योंकि डेड है। तो अब हम जो कि कपड़ा ले सकते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा जी करेगा। तो देखिए जी, हवा इसकी आ रही है, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है, जो कि कपड़ा उड़ रहा है। तो इसकी सेल से इसकी पावर कम आएगी, तो इसलिए जी स्विच को बंद कर लेते हैं। बंद हो गया, फिर से चालू कर लेंगे। तो देखिए इधर से ये पक्का इसका घूम रहा है। अब इस सेल निकाल के हम अडाप्टर के साथ चेक करेंगे, क्योंकि सेल को निकाल लेना है। अगर आप अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं तो सेल को निकाल लेना है, एक टाइम पे एक चीज़ से ही यूज़ करेंगे। तो चलिए डाटा केबल लगा लेते हैं। तो इनपुट पर लगा लिए। ये है मेरे पास चार्जर, जो कि USB चार्जर है, टर्बो चार्जर मोटोरोला का। तो इसके साथ हम चेक करेंगे, जो कि इसकी इनपुट स्टैंडर्ड है, 5 वोल्टेज भी देता है। टर्बो इसकी 9 और 12 वोल्टेज आती है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास दूसरा मोटोरोला का स्टैंडर्ड चार्जर है, जो कि 5 वोल्टेज 2 एम्पीयर का है। ये मेरे पास मोबिल का ओरिजिनल चार्जर है, 2 लैग वाला। तो इसकी भी आउटपुट 2 एम्पीयर है 5 वोल्टेज पे। तो हम सबसे पहले टर्बो चार्जर से इसको लगा के देखेंगे कि कितनी स्पीड देता है। तो इसको लगा लिया है मैंने। अब इसको बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। तो स्विच को ऑफ करके ऑन कर दिया है मैंने। अब देखें तो इसकी हवा, देखिए हवा आ रही है, तो पेज उड़ रहा है हवा से। तो अब इसको हम देखिए, जब मैं ऑन करता हूँ तो पेज उड़ने लगता है। अब हम इसको कपड़े से चेक करेंगे इसकी हवा की कितनी हवा आ रही है। तो देखिए इसकी हवा अच्छी आ रही है, जो कि सेल से नहीं आ रही थी। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको साइड करके अब आपको लगा के दिखा दूँ। तो ये देखिए स्विच ऑन कर दिया, इसकी हवा अच्छी आ रही है, अडाप्टर से अच्छी हवा देता है, जी सेल से नहीं आती जो। तो हम इसका पानी वाला ढक्कन देखते हैं। अब मैं अडाप्टर चेंज कर लेता हूँ, जो मोबिला वाला लगा देता हूँ, इससे देखता हूँ कितनी हवा आई है। तो देखिए इसको मैंने ऑन कर दिया, इससे थोड़ी स्पीड इसकी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि वो टर्बो चार्जर है, तो ये नॉर्मल है। तो अब तीसरे को भी लगा के देख लेता हूँ, इससे भी हवा अच्छी आ रही है कि जी USB पे अच्छी देता है हवा, जो कि नॉर्मल अडाप्टर पे अच्छी हवा देता है जी। अब हम इसको पावर बैंक के साथ चेक करेंगे। मेरे पास सैमसंग का ओरिजिनल पावर बैंक है, 9000 mAh का। इसकी आउटपुट है 5 वोल्ट 1 एम्पीयर। तो इसको लगा लेते हैं, प्लग कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको मैं ऑन कर दूँ, तो देखिए इसकी स्पीड थोड़ी कम आ रही है, इसकी अडाप्टर से स्पीड थोड़ी इसकी कम आएगी, क्योंकि ये पावर बैंक है तो इसलिए इसकी कम आएगी। तो इसकी हवा कम आ रही है पेज से। अब हम इसको कपड़े से चेक करेंगे, तो फिर से हम लगा लेते हैं, तो देखते हैं कितनी हवा आती है। तो इसकी हवा कम आ रही है, पावर बैंक से कम आ रही है, उससे कपड़ा उड़ रहा था, इससे कम उड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पावर बैंक से कम स्पीड आएगी इससे। और आप अडाप्टर यूज़ करेंगे उससे अच्छा रहेगा। अब इसको हम वाटर टेस्ट, जो कि पानी डालकर देखेंगे इसकी हवा बढ़ती है कूलिंट
तो देखते हैं इसको डाल लेते हैं। 50 मिलीलीटर आपको वाटर डालना है इसमें, तो हम इसको पूरा भर लेंगे। तो आपको ठंडा पानी डालना है जो कि फ्रिज से, तो उसके बाद ये इसकी ठंडी हवा आएगी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको कर दिया बंद, तो अब इसको फिर से लगा देते हैं अडाप्टर से। तो अब इसको हम ऑन कर दें, तो इसको थोड़ा चेक करते हैं स्विच को। हवा आ रही है देखिए इसकी, 2 या 5 मिनट बाद इसकी हवा थोड़ी ठंडी होना शुरू हो जाएगी जब ये वाटर को ऊपर खींचेगा। तो अब देखते हैं कपड़े से तो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। तो कपड़े को हम ऊपर फिर से रखेंगे साइड पे करके थोड़ा, तो देखिए इससे कपड़ा थोड़ा उड़ रहा है। तो मैं ऊपर साइड पे कर दूँ इसको, फिर से पेज से करके दिखाता हूँ कि पेज कैसा उड़ता है। तो मैं छोटा टुकड़ा ले लेता हूँ पेज का, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए इससे थोड़ा उड़ रहा जी, तो ये हवा इसकी आ रही है, अच्छी हवा आ रही है, आस्ता आस्ता इसकी उड़ना शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।